नगर पंचायत को इंपॉर्टेंट में डालिए, इसको म्युनिसिपल पंचायत भी कह सकते हैं, लेकिन वैसे नगर पंचायत लिख कर ही आता है, समझ गए। अब यहाँ पर आप इसको इंपॉर्टेंट में डालिए, इंपॉर्टेंट में डालिए। फॉर ए ट्रांजिशनल एरिया, ट्रांजिशनल एरिया को इंपॉर्टेंट में डालो, ट्रांजिशनल जहां दोनों का मिलन हो रहा, ठीक है। दैट इज टू से एन एरिया इज ट्रांजिशन फ्रॉम अ रूरल एरिया टू अ अर्बन एरिया, रूरल से अर्बन को राउंड करो, गांव से शहर की ओर, रूरल एरिया टू अ अर्बन एरिया, गांव से शहर की ओर, ठीक है। हिंदी में सेम लिखा हुआ है, उसमें चेंजेस नहीं है, सिर्फ दो लाइन आपका छोटा हुआ, मुझे याद है कहाँ छोटा हुआ है, मेरा ही कहना नाम से तुझे पता लग जाएगा, तो आप अपने हिंदी भी देख सकते हैं। आगे आपके पास अब आपसे पूछेगा नगर पंचायत कहाँ, पहले उसके नीचे वाला लाइन देख लो, फिर एक साथ देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10,000 बट लेस देन 20,000, उस जगह का पॉपुलेशन जनसंख्या 10,000 से कम नहीं होगा और 20,000 से ज्यादा नहीं होगा। अब आपसे बोलेगा सिलेक्ट आंसर विद द को, अपने आंसर कोड के माध्यम से चुनिए कि नगर पंचायत के लिए कौन कौन से कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन हमें चाहिए कि वो एरिया ट्रांजिशन एरिया होना चाहिए, दैट मींस रूरल और अर्बन, यानी रूरल अर्बन में कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है, ग्राम शहर की ओर परिवर्तित हो रहा है, और उस जगह की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से कम नहीं होगी और 20,000 से ज्यादा नहीं होगी। वैसी जगह पर हम क्या खोलेंगे, नगर पंचायत, क्लियर है, समझ गए। तीसरा देखिए म्युनिसिपल काउंसिल, नगर परिषद, इंपॉर्टेंट में डालो, नगर परिषद भी। स्मॉलर अर्बन एरिया, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए, मतलब पॉपुलेशन ऑफ द एरिया 5,000, उस जगह का पॉपुलेशन जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5,000, ठीक है। डेंसिटी को राउंड करो, घनत्व, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन 450 पर स्क्वायर किलोमीटर, 400 किलोमीटर राउंड करो, मतलब लोग कृषि से नहीं जुड़े होंगे, समझ गए। अब आपसे पूछेगा नगर परिषद के लिए या